हमने अच्छे से समझ लिया कि एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है और उस ओव्यूल के अंदर क्या बनेंगे मेगा स्पोर्स बनेंगे मेगा स्पोर्स मेगा स्पोर मदर सेल से बनेंगे तो अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले तो मेगा स्पोर बनेंगे मेगा स्पोर बनने के बाद उनका फर्दर डिवीजन होगा और बनेंगी यहां पर एक्स सेल सेल एंटीपोडल सेल एंड सेंट्रल सेल ये सब कुछ मेगा स्पोर से बनेगी मेगा स्पोर बन रहे हैं मेगा स्पोर मदर सेल से ये पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे सेल का होगा डेवलपमेंट अंदर का ये एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है वेरी बेसिक ठीक है कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को किसी भी स्टूडेंट के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए अब देखो मेगा का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ मेगा मेगास्पोर कहाँ बन रहे हैं इनसाइड द स्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम को तो सर हम ओव्यूल ही कह रहे थे अभी पीछे देखा हमने दिखा दीजिए एक बार ये देखो मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल ये ओव्यूल तो वही एनाट्रोपस डायग्राम है जो अभी दिखाया सिंपल इसके अंदर जो सारा डेवलपमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे मेगास्पोर का डेवलपमेंट अब ये जो ओव्यूल्स हैं ये डिफरेंशिएट करेंगे फॉर्म ऑफ मेगा स्पोर मदर सेल्स इस ओव्यूल के अंदर भी कुछ इस तरीके की सेल्स होंगी जो मदर सेल्स होंगी और वो मदर सेल्स क्या करेंगी Miosis करेंगी मियोसिस क्वेश्चन मार्क अगर आपसे पूछा गया कि मियोसिस क्यों हो रहा है माइटोसिस क्यों नहीं हो रहा तो यू हैव द आंसर आंसर ये है कि हम तो गैमिटोफाइट बना रहे हैं और गेमिटो जो होता है ये तो कंडीशन है दिस इज कंडीशन एन कंडीशन और एन कंडीशन लाने के लिए हेप्लॉइड करने के लिए तो कॉमन सी बात है होना ही है। है तो क्यों हो रहा इसका आंसर मिल गया सर जब म्योसिस होता है चार सेल बनती हैं। आपने पहले भी बताया था कि माइक्रोस्पोर में भी, भी चार सेल बनी थी फोर माइक्रोस्पोर टेट्रैड यहाँ पर कितने बनेंगे बिल्कुल वही आंसर है फोर है लिखा भी हुआ ये देखो टेट्रैड प्रॉब्लम कहां है सर मतलब इतना ईजी लग रहा है अभी तो टफ तो है नहीं मैं बताता हूं चीजें कॉम्प्लिकेट कहां से होती है कॉम्प्लिकेटेड यहां से होती हैं कि ये चार जो बने नाट्राइड मेगा स्पोर इनमें से तीन फंक्शनल ही नहीं होते तीन फंक्शनल ही नहीं होते हैं और वो डिजेनरेट कर जाते हैं और बचता है सिर्फ एक तो अल्टीमेटली हम ये बोलते हैं कि वन मेगा स्पोर मदर सेल वन मेगा स्पोर बनाती है जबकि म्योसिज हुई है म्योसिस हुई है। लेकिन हमारे को स्टेटमेंट अगर थोड़ा सा एक्यूरेट बोलना है, तो हम ये बोलेंगे लेकिन जब आप लिखोगे वन माइक्रोस्पोर मदर सेल ये एक मियोसिस के बाद कितने पर्टिकुलर हेप्लॉइड पॉलर्स बना रही थी माइक्रोस्पोर बना रही थी तो आंसर था चार और वहां कोई डिजेनरेशन नहीं हो रहा था

मदर सेल दिखाई हुई है और एक एंड है आपका जो माइक्रोपायर एंड है वो ऊपर की तरफ है Done? अब क्या होगा? होगा। क्या होगा 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 इस मदर सेल का डिवीजन के बाद दो बनेंगी बनेंगी और लास्ट में होगा तो चार एंड कौन सी वाली या अंदर वाली अंदर वाली की की ये अंदर अंदर इस मेगा स्पोर एट्रेड में से तीन क्या कर जाएंगी? डीजेनरेट और एक क्या रहेगी फंक्शनल रहेगी इजी कोई कंफ्यूजन ठीक है तो ये चार में से एक फंक्शनल रहेगी और वो जो एक फंक्शनल है वो जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल है वो ये रही इस पर्टिकुलर डायग्राम में और अब यहां पर जो अंदर एक न्यूक्लियस था जो एक सिंगल न्यूक्लियस यहां पर था वो सिंगल न्यूक्लियस करेगा माइटोसिस पहले क्या हुआ था मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस हो रहा था और मियोसिस होने के बाद आपकी बन रही थी चार मेगा स्पोर चार में से सर ने बोला तीन को तो खत्म ही कर दो बचा एक ये सिंगल मेगा स्पोर ये सिंगल मेगा स्पोर में आंसर इज माइटोसिस अब देखो ये एक से दो टुकड़ों में टूट गई दिख रहे हैं वन न्यूक्लियस एंड सेकेंड न्यूक्लियस और वो भी फर्दर माइटोसिस करेंगे तो दो और फिर दो कितने न्यूक्लियस हो गए चार न्यूक्लियस एक दो तीन चार और वो फर्दर माइटोसिस करेंगे एंड अल्टीमेटली चार न्यूक्लियस इधर और चार न्यूक्लियस इधर कितने न्यूक्लियस हो गए देर आर एट न्यूक्लियस ये सब उस सैक के अंदर हो रहा है डिवीजन जिसमें एक मेगास्पोर के अंदर का न्यूक्लियस माइटोसिस करे जा रहा है पर यहां पर क्या हो रही है? सोचो, हो रही है यहां पर नहीं देर इज नो साइटोकाइनेसिस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है कैसा है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ठीक है साइटोकाइनेसिस यहां पर नहीं हो रही है जब आठ न्यूक्लियस वाली कंडीशन आ जाती है तब सेल वॉल बननी शुरू होती है तब साइटोकाइनेसिस शुरू होती है इन आठ न्यूक्लियस में से तीन न्यूक्लियस कहां चले गए तीन एंटीपोडल सेल्स बनाने के लिए कौन से एंड पे गए जल्दी से सोच के बताओ कौन से एंड पे गए आंसर सिंपल है चलाजल एंड पर गए और एग सेल कहां पर है वो देखो माइक्रोपाइलर एंड पर है लिखा भी हुआ यहां पर एंड और यहां पर तीन न्यूक्लियस चले गए जिसमें से दो न्यूक्लियस कौन से सेल बनाते हैं और एक न्यूक्लियस एग्सल बना देता है तो तीन न्यूक्लियस और तीन न्यूक्लियस छह न्यूक्लियस तो हो गए बचे हुए जो दो न्यूक्लियस है आठ में से वो बीच में एज न्यूक्लियर पोलर बॉडीज की फॉर्म में या पोलर न्यूक्लियर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अब बीच की एक सेल बनती है जिसे हमने क्या बोला है सेंट्रल सेल तो पीछे मैंने आपको एग्जैक्ट नंबरिंग बताई थी यहां पर मैं दोबारा से बता देता हूं ये नंबरिंग कुछ इस तरीके से है कि एक तरफ जो माइक्रोपाइलर एंड है उस तरफ एक बना एक्सेल सर ये मुझे याद कैसे रहेगा कि माइक्रोपाइलर एंड पे एक्सेल बना मुझे याद कैसे रहेगा क्योंकि मुझे यह पता है कि माइक्रोपाइल जो पोर है वहां से पॉलन ट्यूब एंटर करेगा पॉलन ट्यूब के अंदर ग्रेन होंगे ग्रेन का अपना न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस को तो एक्स सेल के साथ ही फर्टिलाइज करना है तो एक्स सेल फिर माइक्रोपाइलर एंड पे तो होगी कॉमन सेंस के याद करोगे ना चीजें तो इजीली याद रहेंगी इसलिए एक सेल और उस पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए कि तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है एक सेल यहां है तो वो दो सहेलियां कौन सी हैं सेल की आंसर इज सिनरज ये दो सेल हो गई ये कौन सा एंड है माइक्रोपाइलर एंड है और चलाजल एंड पर तो आपके तीन एंटीपोडल सेल बताई दिए पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है बोर्ड पे लिखा हुआ है एंटीपोडल सेल्स तो तीन ये हो गए तीन ये हो गए बचे हुए बीच के दो न्यूक्लियस ये बन गए किसका पार्ट सेंट्रल सेल का पार्ट और सेंट्रल सेल कितनी है एक तो अल्टीमेटली मुझे बताओ सेल्स कितनी हुई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन तो सर सेल्स है मगर द ट्रिक हेयर इज कि न्यूक्लियस कितने है? आंसर इज एट एट न्यूक्लियस तो इस पर्टिकुलर जो आपका आंसर है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर कितने सेल प्रेजेंट होते हैं आंसर होगा सेवन लेकिन पूछा जाएगा कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं आंसर होगा एट इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है आगे जब हम फर्टिलाइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे वहां डबल फर्टिलाइजेशन हम क्यों कह रहे हैं तब समझ में आएगा जब ये वाला पार्ट क्लियर होगा ठीक है स्टूडेंट्स तो दो पोलर न्यूक्लियाई यहां पर जो सेंट्रल सेल है उसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई हैं जबकि तीन तीन सेल्स अपने दोनों एंड पर जा चुकी हैं टोटल सेवन सेल्स एंड एट न्यूक्लियस कीप दिस इन योर माइंड अभी ही याद कर लो इसको इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा यही मैं आपको उस स्पेशल डायग्राम में एनाट्रोपस ओव्यूल के डायग्राम में दिखाने की कोशिश कर रहा था कि नीचे की तरफ ये रही दो सिनर्जेड सेल्स बीच में पीछे की तरफ ये एक एग सेल ये अपने आप में यहाँ से लेके यहां यहाँ तक ये जो पूरी सेल है ये पूरी सेल ही सेंट्रल सेल है पूरी सेल ऊपर से नीचे तक उसके अंदर ये दो न्यूक्लियस इन्हें पोलर न्यूक्लिया ही बोलेंगे सिनर्जेड सेल साइड की हो गई और सिनरज सेल्स के पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस ये फिलीफॉर्म अपैरेटस भी कही कहीं ना कहीं पोलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प करता है ठीक है कि इस तरफ आपको डायरेक्शन लेनी है पोलन ट्यूब में जो मूवमेंट हो रहा है जो केमिकल्स के कीमोटेक्टिकल की वजह से कही न कहीं ना कहीं गाइडेंस हो रही है पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट की वो इस तरह से यहाँ से फॉलो अप होती है एंड पर तीन एंटीपोडल सेल है क्या काम करती हैं क्या करेंगे आगे आपको आगे पता चलेगा ठीक है अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट देख रहे हैं पूरा चैप्टर ही इस तरीके से डिवाइडेड है कि पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज देखते हैं कि भाई गैमेट बने फिर गैमेट ट्रांसफर होंगे फिर गैमेट्स का फ्यूजन जो होगा वो फर्टिलाइजेशन स्टेज होगी जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे और लास्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे जहां पर अलग अलग तरीके से हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे सीड का डेवलपमेंट देखेंगे अलग अलग फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड दिस इज हाउ योर चैप्टर गोस समझ में आ रहा है कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आई होप अल्टीमेटली ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसी की ये डिटेलिंग है जो मैंने यहाँ लिख दी है ये सेम पॉइंट है जो मैं पढ़ा चुका हूं मैं बस इसको पेन डाउन कर रहा हूं तो रीड कर रहा हूं एक बार कि किस तरीके से मेगा स्पोर डेवलप होता है इंटू फीमेल गैमिटोफाइट फीमेलोफाइट में कैसे डेवलप होगा ए फीमेल एक्सेल इस तरह से होगा कि तीन जो मेगा स्पोर है वो डिजनरेट कर जाएंगे एक मेगा स्पोर जो बचेगा सबसे नीचे वाला बेसन मेगा स्पोर वो फंक्शनल होगा वो फंक्शनल होगा तो वो डेवलप करेगा इनटू फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट कहां डेवलप होगा एक के अंदर एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एम्ब्रियोक का फॉर्मेशन सिर्फ एक सिंगल मेगा स्पोर से होते हैं तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो नाम है वो है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ये डेफिनेशन मार्ग में पूछी जा सकती है एनसीआर में लिखी है क्या क्या चेंजेस हुए उसके बाद एक बार जब मेगा स्पोर एक सिंगल रह गया और तीन डिजेनरेट कर गए तो अल्टीमेटली माइटोटिक डिवीजन शुरू हुआ पहले दो न्यूक्लियट स्टेज आई उसके बाद डिवीजन फर्दर हुआ चार न्यूक्लियटेड स्टेज आई फिर फर्दर डिवीजन माइटोटिक का हुआ जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था और एट न्यूक्लियर स्टेज आई एक न्यूक्लियस के बाद सेल वॉल बननी शुरू हुई और एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल्स बन गई जिसमें सेल्स थी एट न्यूक्लियस था सात सेल में से एक्स अपेटस अगर हम कलेक्टिवली बोले जो माइक्रोपायलर एंड पर सेल्स हैं उन्हें कलेक्टिवली एग अपटस बोला जाता है ये एक नया वर्ड यहाँ सीखने को मिला है इसके बारे में ऑलरेडी पता है लेकिन आपको कि दो सनर्जिट हैं एक एक्सेल है और माइक्रोपाइलर एंड पर है ये बात ऑलरेडी पता थी इसका दूसरा नया टर्म पता चल गया जो आंसर है आपका एग सेल्स में, में हम देखेंगे में जो की बीच की बड़ी सी थी, उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई हैं और ये बिल्कुल हम जो है कह सकते हैं कि पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग अपेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल ये लोकेशन है इसकी कभी पूछे विल से लोकेटेड बिलो दिटस एग सा था, ये था वो egg apparatus जो end पे था। तो I hope ये आई से सेल का डेवलपमेंट हो गया है तो हमें आगे देखना है कि कैसे एक से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे और वो जो टर्म है उसे हम कहते हैं ठीक है students? तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मच